और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। खोपोली में पुष्कर पैराडाइज टाउनशिप की लॉन्चिंग, खूबसूरत वादियों में पाए अफोर्डेबल आशियाना। की खूबसूरत वादियों में रविवार को पुष्कर पैराडाइज नामक नई टाउनशिप लॉन्च की गई। लौजी स्टेशन के पास पुष्कर ड्वेलिंग ग्रुप 5 एकड़ में इस टाउनशिप का निर्माण कर रहा है। इसके लॉन्चिंग अवसर पर पुष्कर ड्वेलिंग के CMD मुकुल आनंद ने कहा कि यह मॉडर्न अमेनिटीज से परिपूर्ण एक अफोर्डेबल टाउनशिप है, जहां प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही प्लेग्राउंड, क्लब हाउस, योगा और मेडिटेशन सेंटर जैसी लग्जरी सुविधाएं दी जा रही हैं। यहाँ बच्चों के लिए अलग से किड्स जोन और सीनियर सिटीजन की ज़रूरतों का विशेष ख्याल रखा गया है। कई बैंकों से भी टाई अप किया गया है जो मकान के लिए फाइनेंस उपलब्ध कराएंगे। हमारे देश का जनसंख्या बहुत बड़ा है और मुंबई काफ़ी कॉस्टली हो चुका है सभी लोगों के लिए। वहाँ फ्लैट खरीदना या बहुत महंगा चीज़ दिक्कत है, इसलिए उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत तलाश के बाद अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रति दिमाग गया और उसी के तलाश करते करते ये लोकेशन देखा। लोकेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इमेजिन लगा और यहाँ पे रहने वाले लोगों की उम्र तकरीबन 10-15 साल बढ़ जाएगी। यहाँ हर तरह का नेचुरल चीज़ उपस्थित है, यहाँ ग्रीनरी काफ़ी है, पहाड़ी है, यहाँ वेदर भी बहुत अनुकूल रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती और इस परिवेश में यहाँ, चूँकि यहाँ MIDC है, टाटा पावर है और यहाँ बहुत बड़े बड़े कंपनी का लोग अपनी अपनी बिल्डिंगें बना रहे हैं, टाटा बना रहे हैं, बाधवा बना रहे हैं, गोदरेज बना रहे हैं, हीरा नंदानी बना रहे हैं, तो उन लोगों का प्राइस बहुत हाई है, चूँकि उन लोगों के खर्चे बहुत हाई हैं। तो उस रेशियो में हमारा फ्लैट सारी सुख सुविधाओं के बाद चूँकि यहाँ हम ओल्ड एज के लोगों को ध्यान में रख के कर रहे हैं, उनके लिए जिम बनाएंगे, उनके लिए जॉगिंग ट्रैक बनाएंगे, उनके लिए मेडिटेशन सेंटर बनाएंगे, उनके लिए हॉस्पिटल बनाएंगे, परमानेंट डॉक्टर रहेंगे, परमानेंट नर्सेज रहेंगे, उनके टेक केयर के लिए हमेशा एक एम्प्लॉय रहेगा जो जैसे ही वो बेल बजाएंगे उनके पास पहुँच जाएंगे, वो कभी उनको दवाई की आवश्यकता होगी या कभी बीमार पड़ जाएँ या कहीं जाना ना चाहें, उनके लिए उनकी सारी सीनियर सिटीजन के सारी सुविधाओं को ध्यान में रखकर एक बिल्डिंग कंप्लीट कर रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा वायबल रहा, बहुत ज़्यादा हिट हुआ तो पूरे के पूरे बिल्डिंग को हम इसी में कन्वर्ट कर देंगे। सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में ये हो रही है कि देश में सब लोगों के बारे में सोचने वाले कुछ न कुछ लोग हैं, बट ओल्ड एज होने के बाद उनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है, न उनके बच्चे उनके बारे में सोचते हैं, न उनका भाई उनके बारे में सोचता है, न गवर्नमेंट सोचती है। आखिर ओल्ड एज अपने आप में एक बीमारी है जिसके बारे में ऐसा देखा गया है कि ओल्ड एज में लोग घर ही में हैं, लोग उनको कोई देखना नहीं, अब और वो कोलैप्स कर गए, उनके बेटे लंदन में हैं, इंग्लैंड में हैं, अफ्रीका में हैं, जापान में हैं। तो ओल्ड एज को किसी तरह की तकलीफ ना हो, यही सोच के साथ इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मैंने की है। फाइनेंस के लिए हम लोगों ने जो है सर बहुत सारे बैंकों से संपर्क किया है और ये अफोर्डेबल हाउसिंग में किसी प्रोजेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए अपर लिमिट है 45 लाख से नीचे का आना चाहिए उसका, और उसके बाद जो है सो 1 RK 1 BHK या 2 BHK सब फ्लैट अवेलेबल है। उसमें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी जो है सो 2,67,000 रुपये मैंने प्रधानमंत्री योजना के तहत है, उसका एक ही एक बड़ा सा क्राइटेरिया है कि जो लोग उसके लिए लेना चाहते हैं उनकी एलिजिबिलिटी तभी होगी जबकि जैसे उनका किसी भी शहर में अपने नाम से या स्पाउस के नाम से पक्का मकान नहीं हो, है कि नहीं। तो सारे बैंक भी तत्पर है देने के लिए क्योंकि ये रिजर्व बैंक का या बैंकों का या सरकार के ये जो है सो ये कहना है और इनका प्रधानमंत्री का ये भी आश्वासन भी है कि 2022 तक सभी लोगों को अपना घर होना चाहिए,
उसी क्रम में जो है सो बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, IDBI और पंजाब नेशनल बैंक, और फाइनेंस की सुविधा जो है सो लेने वाले की उम्र को देख के उसकी पीरियड है, मैक्सिमम जो है सो 20 सालों तक के लिए जो लोन मिलता है। 20 सालों में वो है कि अभी जो आप जो लेंगे, अगर मान ली 10 लाख रुपया लेते हैं तो उसका इंस्टॉलमेंट करीब 7,000 रुपया महीने पे आएगा। और दूसरी बात यह है कि आज के तारीख में जो आपको 7,000 रुपया रिपेमेंट में जो कठिनाई है वो 10 सालों के बाद नहीं होगी, क्योंकि उस समय नेचुरली अर्निंग्स बढ़ेंगे और आपका अमाउंट जो है सो फिक्स हो गया है कि आपको इतना ही देना है। प्रोजेक्ट निर्माताओं ने दावा किया कि खोपोली में तैयार हो रही पुष्कर पैराडाइज हकीकत में खुशहाली और सुविधाओं का नया स्वर्ग बनकर उभरेगी। यहां मात्र 16 लाख में 1 RK जबकि 24 लाख में 1 BHK फ्लैट उपलब्ध हैं। इस टाउनशिप की लोकेशन, अमेनिटीज और कीमतों को लेकर लॉन्चिंग कार्यक्रम में पधारे तमाम अतिथियों, फिल्म और उद्योग जगत की हस्तियों ने भी सराहना की। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट ये होने लगा कि इन पहाड़ों को हम लोग कई सालों से देख रहे हैं और यहाँ इसके बीच में कोई ऐसा घर बनने वाला है, तो ये देख के ही हम लोग बात ही कर रहे थे रास्ते में कि यार जो हम लोग रास्ते भर इतने साल से देख रहे हैं कि पहाड़ों में, कभी खाली फिल्मों में देखा है कि लोग पहाड़ों में जाते हैं, तो जब यहाँ पहुँचे, लोकेशन देखा, तो एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ, खुशी हुई कि यार यहाँ पर वो भी कहीं और से कोई ऐसे एक बिल्डर आए हैं जो यहाँ पर बना रहे हैं। जब ये पूरा सैम्पल फ्लैट देखा और जब पता चला कि जो इस साइड के पीछे का जो पूरा व्यू है, पूरा पहाड़ है और इधर कुछ बनने वाला भी नहीं है फ्यूचर में, तो मतलब मैं तो, मुझे पता नहीं था, मुझे 2 दिन पहले ही पता चला, वरना मैं आज ही एक फ्लैट तो मैं आज बुक कर ही देता यहाँ पे आगे के लिए। और जब पूरा प्लान पता चला कि 2 BHK है, 1 BHK है, 1 RK है, स्पेशियस है, बुज़ुर्गों के लिए अलग से देख रहे हैं, चिल्ड्रन के लिए अलग, हॉस्पिटल का प्लान, जो पूरा एक टाउनशिप का जो प्लान यहाँ दिख रहा है, तो मुझे लगता है बहुत ही अमेजिंग आइडिया है। और क्योंकि मुंबई फैल रही है तो लोग धीरे धीरे आएंगे, तो ये बहुत बहुत अच्छा फ्यूचर का प्लानिंग है ये। सबसे पहले तो मैं पुष्कर पैराडाइज के जो मतलब डेवलपर्स हैं उनको बधाई देता हूँ, आज बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और सबसे जो मज़ेदार चीज़ मुझे जो लगा कि ये प्राकृतिक वादियों में के बीच में जो डेवलप हो रहा है ना, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, जब आप शहरी वातावरण में इतने धूल धसरित हो चुके होते हैं कि आपको इस तरह के प्राकृतिक जो वातावरण मिल रहा है उसमें अफोर्डेबल रेट में जो आप वहन कर सकते हैं अपने जेब से, तो वो बेस्ट पार्ट मुझे लगा ये। और मैं बधाई देता हूँ इनके डेवलपर्स को, सारे लोगों को, और स्टेशन के बहुत करीब है, जो मतलब जो एक रहने वाले के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो बिल्कुल आपके पास है। ज़रूर, मैं तो महेश जी से बोला भी हूँ कि मैं बुक करूँगा, हम क्या और भी कई लोग हमारे दोस्त हैं जिनको बताऊँगा, मैं खुद जब अपनी आँखों से देखा हूँ तो और अच्छा लग रहा है, लोगों को बताऊँगा। एक मध्यवर्गीय परिवार जब बहुत मुश्किलों से पैसा जोड़ता है और कुछ खरीदना चाहता है और एक घर खरीदना चाहता है, और ख़ास तौर से जब ऐसा घर खरीदना चाहता है जहाँ उसके बड़े बुजुर्ग, वरिष्ठ नागरिक, वैसे लोग जो या तो रिटायर हो चुके हैं या फिर उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहाँ उनको एक आराम की आवश्यकता है, और वो एक ऐसी जगह ढूंढते हैं इस मुंबई जैसी शहर में, एक धुएं से भरे हुए शहर में, एक बेचैन शहर में, कि आराम से शाम को सुबह वो घूम सकें, बैठ सकें, बच्चों के साथ खेल सकें, वो हंस सकें, इस प्राकृतिक वातावरण में, एक शुद्ध वातावरण में जिसमें कम से कम प्रदूषण हो और वो सांस ले सकें, जब ऐसी जगह आप ढूंढते हैं अपने बुजुर्गों के लिए, अपने परिवार के लिए, तो मुझे लगता है कि हमें एक नाम लेना ही पड़ेगा और वह पुष्कर पैराडाइज। सिटी में जो बिल्कुल स्थिति ये है कि अफोर्ड नहीं कर सकते आप, अब 1 BHK 1-1.5 करोड़ के हैं, ऐसे में इतना खूबसूरत जगह में चारों तरफ जो इतनी बेहतरीन मतलब वादी देख रहे हैं आप, दोनों ओर पहाड़ी है, रेलवे लाइन है, रेलवे स्टेशन से लगायत है, तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी बात है कि एक साथ जो है नेचर भी है, साथ में उस तरीके से अफोर्डेबल भी है आपके लिए कि 25 लाख, 30 लाख, 12 लाख, 16 लाख इस तरीके से, मतलब 16 लाख से लेके 30 लाख तक के रेंज में 1 रूम किचन से लेके 2 BHK तक है, और दोनों तरफ इतनी खूबसूरत जगह है, मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि बारिश के दिनों में कितना हरा भरा और कितना बेहतरीन हो जाता होगा, बहुत अच्छा है।
तो अगर आप भी लोनावला के करीब अपना खूबसूरत आसियाना या सेकंड होम के लिए किसी खूबसूरत जगह की तलाश कर रहे हैं तो पुष्कर पैराडाइज आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यकीन के लिए यहाँ का जायजा लेना मत भूलिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।